कॉल मैंने करने के लिए रख दिया था, चेक कर लेते हैं कि कितना इसमें अभी फर्क रह गया है। नहीं, अभी ये मज़ीद बॉयल होंगे तो इसको छोड़ देते हैं। ये आलू बॉयल हो चुके हैं, ये देखें इसमें आराम से छुरी जा रही है अंदर और निकल भी रही है, तो बस अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। अच्छा, क्योंकि आलू बहुत गर्म है और मुझे जल्दी जल्दी पकाना है, तो मैंने क्या करा, फटाफट इसके ऊपर ठंडा पानी मैंने उठे डाल दिया। अच्छा, नगेट्स बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं। ये मैंने चिकन का कीमा लिया हुआ है 1 पाव, और ये मैंने आलू जो कि मैंने आपको दिखाए थे मैंने बॉईल करके इन्हें छील लिया है, और ये 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे। इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें काट ली हैं, 1 मैंने लिया है अंडा, और 1 मैंने छोटी प्याज ली है। इसके अलावा ये मैं 3 चम्मच मैदा इस्तेमाल करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, और 1/2 चम्मच जीरा, और हसबे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, और 3 से 4 काली मिर्चें मैंने ली हैं, 2 खाने के चम्मच मैदा, और साथ ही साथ थोड़ा सा यानी कि समझे कि 1 टीस्पून जो है मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, और कोरिएंडर मेरे पास है जो कि कुछ पत्ते मैं इसके ऐड करूँगी। नगेट्स बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल है जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ। मैं सिर्फ इन सारी चीज़ों को जो है चॉपर में डालूँगी और इन सबको जो है मिक्स कर दूँगी बस। अच्छा, ये मैंने चॉपर ले लिया है, अब ये सारी चीज़ें उठाऊँगी, इसमें इकट्ठा डालती हूँ और फिर इसको ब्लेंड करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये चले गए इसके अंदर आलू, ये इसमें डालने लगी हूँ मैं प्याज। प्याज मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा है तो फिर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, और ये 1 छोटी प्याज मैंने इसके लिए काटी थी। ऐड किए थोड़े से पत्ते पुदीने के, डालने लगी हूँ 1 अंडा। अच्छा, ये मैंने मिला दिया है, और मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी निकल कर आई है। अच्छा, अभी क्या करना है, इसको जिस शेप में चाहें आप लोग उस शेप में बना सकते हैं। मैं इसको जो टिपिकल नगेट्स के साइज़ का जो शेप होता है वो ही दूंगी। इसके बाद इसको मैं डिप करने वाली हूँ अंडे में, अंडे के बाद मैं इसको डिप करूँगी मैदे में, और फिर इसको ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। ये कोटिंग आप लोग चाहें तो 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, मैं 1 दफ़ा ही कोटिंग कर रही हूँ, और इसमें चाहें तो ऑप्शन है आप लोग चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको अभी सिर्फ 2 से 3 में इसको बनाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी मैं इसको कल बनाऊँगी, और जो है ताकि उसमें मैं चीज़ ऐड कर सकूँ, चीज़ के बगैर तो मुझे नगेट्स का मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से इसको शेप दिया है, मैंने थोड़ा सा पहले पानी लगाया अपनी हथेली पर ताकि चिपके ना, क्योंकि इसमें आलू है तो आलू ज़ाहिर है आपके हाथ पे चिपकेगा और आपका जो शेप है वो बन नहीं पाएगा। इसको मैंने इस शेप में लेकर सबसे पहले इस पर मैं लगा रही हूँ अंडा, झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा। इसके बाद इसको 1 कोट दूँगी मैदे का अच्छी तरीके से, ठीक है, 1 कोट दोबारा इसमें मैं अंडे का डाल ली ताकि इसमें नगेट्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिपक जाएँ, और इस तरह से इस पर मैंने डाल दिए ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो नगेट्स हैं ये आप लोग आराम से डीप फ्रीज कर सकते हैं, और थ्रू आउट रमज़ान बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो आप इसको अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्योंकि मज़ीद जो हूँ वो नगेट्स तैयार करूँगी अपने आज के खाने के लिए, और आप लोग जो हैं इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे, और बहुत शुक्रिया आना। अच्छा, ये मैंने नगेट्स डीप फ्रीज किए हुए बाहर निकाले हैं, और ये मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, जब ये तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से तो उसमें डाल के मैं फ्राई करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। ये मैंने फ़िलहाल के लिए 3 नगेट्स बनाए हैं। अच्छा, इनको एक और ज़रूरी बात कि एकदम से फ्राई मत कर लीजिएगा बनाते के साथ ही, यानी कि जब इसकी कोटिंग वगैरह कंप्लीट कर लें तो एटलीस्ट इसको 1/2 घंटा तो फ्रीज़र में रखिएगा ताकि कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए, फिर इसको फ्राई करिएगा तो कोटिंग अलग नहीं होगी इससे। अच्छा, तेल गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं इन्हीं नगेट्स में से थोड़ा सा ऊपर से जो ब्रेड क्रम्स लगाए थे उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ, और इसको मैं इस तेल में डाल के चेक करती हूँ। तेल तो गर्म हो गया है तो लेती हूँ 1 नगेट,
एक नगेट उठाऊंगी और इसको डाल दूंगी इस कढ़ाई के अंदर, ये मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं दूसरा लूंगी, इसको अपनी इस कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। ये हमारे नगेट्स फ्राई होना शुरू हो गए हैं और ये वही वाला तेल है जिसमें शाम में अफ्तारी के पकौड़े मैंने बनाए थे, और इसको ज़ाया ना करते हुए मैंने ये तेल इस्तेमाल इस तरीके से किया है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगे ये लोग फ्राई होने में, क्योंकि ये अंदर से फ्रीज हुए हुए हैं, मैंने अभी अभी डीप फ्रीजर से निकाले हैं। अच्छा, डीप फ्रीज करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई भी फ्रैट क्रम इसमें निकल के कढ़ाई में फैला नहीं है, ये इसी से चिपके हुए हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि पहले डीप फ्रीज कीजिएगा और फिर इसको तलिएगा, तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत फ्राई होंगे और बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है, और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं करूँगी। ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे करने से नुकसान होगा कि ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से, क्योंकि ये ठंडे बहुत हैं तो अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। ये दिखा दूँ मैं आपको, ऐसा कलर आ रहा है इसका, और अभी इसको मज़ीद फ्राई कर रही हूँ। जो इसमें मैंने अंडा ऐड किया था उसकी वजह से देखिए माशाल्लाह किस कदर फूल चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जबकि मैंने ये बहुत ही पतले पतले से बनाए थे। अच्छा, ये हो चुके हैं, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से तेल अलग करके इसको कर दूँगी मैं डिश आउट से। ये देखिए सारे काम करने के बाद फाइनली अपने नगेट्स को लेकर मैं वापसी अपनी सीट पर अपने लैपटॉप के साथ आके बैठ चुकी हूँ, और माशाल्लाह क्रिस्पीनेस इसकी ऐसी है कि ऐसे करो तो आवाज़ आती है, इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसा है। तो मैं फ़िलहाल इसको एक काम करती हूँ, तोड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर से इसका क्या लुक आया है। अच्छा, ये देखिए अंदर से इसका ऐसा लुक आया है, बिल्कुल पका हुआ है, अंदर से आलू और चिकन बिल्कुल पके हुए हैं, और अगर इसमें चीज़ होता और वो मेल्ट होता हुआ नज़र आता तो फिर क्या ही बात थी। तो इसलिए मैंने बाकी नगेट्स नहीं बनाए हैं, मैंने चीज़ जो है वो ले लिया है, और अब मैं बाकी नगेट्स जो हैं वो चीज़ के साथ बनाऊँगी। और ये था मेरा कुकिंग वीलॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और ताकि फिर मैं ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।